सो हेलो एंड वेलकम यू ऑल आई एम रोहित फ्रॉम महाजन ट्रेडर सो गाइस आज इस वीडियो में बात होगी वेदांता और टाटा स्टील लिमिटेड के बारे में और दोनों ही शेयर्स को लेकर काफ़ी कुछ चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं तो वीडियो को एंड तक देखना और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल द महाजन ट्रेडर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो चार इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिन्हें डिस्कस करेंगे शुरुआत वेदांता लिमिटेड के साथ होगी यहाँ पर वेदांता लिमिटेड में अगर हम देखें तो थ्री हंड्रेड एंड ट्वेल्व पॉइंट नाइन्टी फाइव रुपीज़ के अराउंड शेयर में आपको क्लोजिंग देता हुआ ए शेयर नज़र आने वाला है और वही अगर देखें तो वन पॉइंट ट्वेंटी फाइव रुपीज़ के अराउंड शेयर में आपको गिरावट देखने को मिलती है जीरो पॉइंट फोर्टी परसेंट के बेसिस पर एक गिरावट है वही अगर बात कर ले गाइस तो फाइव डेज के टाइम फ्रेम पर शेयर में यहाँ पर जीरो पॉइंट सिक्सटी रुपीज़ यानी साठ पैसे तक की एक बढ़त देखने को मिलती है जीरो पॉइंट नाइनटीन परसेंट के बेसिस पे शेयर में एक ग्रोथ हमें नज़र आ रही है वही आपको वन मंथ में गिरावट नज़र आएगी यहाँ पर एक गिरावट है चार रुपये पंद्रह पैसे की और यहाँ पर अगर आप देखो सिक्स मंथ में स्टॉक बिल्कुल एक अच्छा इंप्रूमेंट बता चुका है फिफ्टी पॉइंट फोर्टी फाइव रुपीज़ के अराउंड शेयर में ग्रोथ है नाइनटीन पॉइंट ट्वेंटी टू परसेंट के बेसिस पर यहाँ पर एक न्यूज़ सामने आ रही है यहाँ पर अगर देखेगा तो वेदांता कट्स नेट डेप बाई टू बिलियन एन एफ आई ट्वेंटी थ्री एज फंडिंग आयस लिंगर सो so गाइज़ यहाँ पर अगर देखें वेदांता के ऊपर फोर बिलियन तक का यहाँ पर डेप देखने को मिलता है और वही अगर देखें फोर बिलियन में से इन्होंने ऑलमोस्ट टू बिलियन बिल्कुल कट कर दिए हैं एफ आई ट्वेंटी थ्री तक और एफ आई ट्वेंटी फोर तक ये बिल्कुल फोर बिलियन भी पूरा कट कर देने वाले है तो ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है और वही अगर देखिए तो सी एन बी सी टी वी एटीन की ओर से यहाँ पर एक न्यूज़ आ रही है तो ऑफिशियल नहीं हुआ है। जैसे ही उन्होंने की ओर से बताया गया वैसे ही हम बात कर रहे हैं वेदांता एमरजस एज प्रीफर्ड बिडर तो गैस यहाँ पर अगर देखें तो सी जी मली बॉसिक ब्लॉक इन एं रायगढ़ एंड कलाहंडी डिस्ट्रिक्ट और पोडिशा में जो यहाँ पर अगर देखें शिमाली ब्लॉग कहते हैं जैसे यहाँ पर अगर देखें वेदांता उसके लिए एक बिल्कुल एक तगड़ा बीडर है आगे ये ब, है उसके लिए बीट करने के लिए बॉक्साइड के लिए और वही देखें इसमें लगभग द ब्लॉक हैज एस्टिमेटेड एस रिजर्व थ्री हंड्रेड एंड एलेवेन मिलियन टन ऑफ बॉक्साइड तो बिल्कुल गैस ये जो बॉक्साइड ब्लॉग है इसके लिए वेदांता यहाँ पर बीट कर रहा है एक बोली लगा रहा है बड़ी और बिल्कुल इसे भी ये अपने अंडर कर लेगा तो ये दो बड़ी न्यूज़ यहाँ पर आ रही थी और कल के लिए काफ़ी लोग इसमें पॉजिटिव आपको नज़र आएंगे जिसमें यहाँ पर देखोगे तो नाइन्टी सिक्स परसेंट लोगों की ओर से वेदांता में बाय करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है और फोर परसेंट लोगों की ओर से स्टॉक में होल्ड करने के लिए कहा जा रहा है यानी अगर देखेगा तो ऑलमोस्ट यहाँ पर हंड्रेड परसेंट लोग आपको वेदांता में बिल्कुल पॉजिटिव नज़र आते हैं बिल्कुल गैस यहाँ पर वेदांता में हंड्रेड परसेंट ग्रोथ आने वाले टाइम में हमें देखने को मिलेगी इस न्यूज़ का भी काफ़ी तगड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा सो गैज वेदांता की बात हम कर चुके हैं अब बात करेंगे टाटा स्टील लिमिटेड के बारे में सो टाटा स्टील लिमिटेड एक बेहतरीन शेयर है इसमें दो बड़ी न्यूज़ यहाँ पर हमें देखने को मिली है वही अगर देखें तो स्टॉक ने आज क्लोजिंग दी वन हंड्रेड एंड टेन पॉइंट थर्टी फाइव रुपीज़ के अराउंड वही गाइस अगर आप देखते हो तो शेयर में एक अच्छी ग्रोथ भी हमें नज़र आती है तो स्टॉक में जो ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी वो वन पॉइंट टेन रुपीज़ के अराउंड आपको देखने को मिलती है वन पॉइंट जीरो वन परसेंट के बेसिस पे शेयर में ग्रोथ है और ये आगे भी ऐसी ही ग्रोथ हमें बताने वाला है So, सो गाइस ही अगर देखिए तो स्टॉक में फाइव डेज़ के टाइम फ्रेम पर शेयर में क्या हमें देखने को मिलता है तो बिल्कुल वन पॉइंट ट्वेंटी रुपीज़ के अराउंड शेयर में आपको ग्रोथ यहाँ पर सॉरी गाइस गिरावट देखने को मिलती है बट एक ब्रेकआउट के साथ स्टॉक में ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट मिल चुका है अब कल इस रेंज को भी ब्रेक करता हुआ नज़र आएगा सो वही आप देखोगे तो वन मंथ में शेयर में काफ़ी हद तक गिरावट नज़र आई है यहाँ पर नौ रुपये साठ पैसे तक ये शेयर गिर चुका है एट परसेंट के बेसिस पे और गैस हम उम्मीद कर रहे हैं कि स्टॉक में एक बड़ा मोमेंटम आए वन ट्वेंटी के अराउंड ये शेयर जाए तो गैस बिल्कुल आने वाले टाइम में एक जाने वाला है और सिक्स मंथ में भी अगर आप देखो तो काफ़ी कम गिरावट आपको नज़र आती है और कहीं ना कहीं गैस लग रहा है कि इस रेंज पे ही सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा बिल्कुल यहाँ पर सपोर्ट है यहाँ पर सपोर्ट है और यहाँ पर इसने सपोर्ट ले लिया ऑलमोस्ट यहाँ से अगर देखें तो 130, 120 के अराउंड ये शेयर जाएगा ही जाएगा क्योंकि यहाँ से स्टॉक में सीधा ऊपर की ओर का मोमेंटम देखने को मिलता है इस लेवल पे सपोर्ट के बाद सो so, बिल्कुल गैस बड़े आगे तो यहाँ पर अगर देखें एक काफ़ी बड़ी न्यूज़ टाटा स्टील में हमें देखने को मिल रही है टाटा स्टील टू रेस फोर थाउजेंड करोड़ सो गैस यहाँ पर अगर देखें चार हजार करोड़ टाटा स्टील रेस करने वाला है किसके थ्रू बॉन्ड्स के थ्रू यहाँ पर बिल्कुल बॉन्ड्स के थ्रू टाटा स्टील ये फंड रेस करेगा टाटा स्टील प्लानिंग एज फोर फोर थाउजेंड करोड़ बॉन्ड सेल्स तो गैस बिल्कुल यहाँ पर टाटा स्टील बॉन्ड बेचने वाली है दिस विल बी द कंपनी फर्स्ट बॉन्ड सेल इन फिफ फाइव मंथ टाटा स्टील बॉन्ड इश्यू इज कमिंग एट अ टाइम अदर कंपनीज हैव लाइंड डेप्ट इंश्योरेंस तो गैस बिल्कुल यहाँ पर बोंड को बेचने वाला है आने वाले पाँच महीनों में फर्स्ट बॉन्ड सेल होगा तो so, बिल्कुल चार हजार करोड़ का फंड रेस करने वाली है और स्टील और दूसरी जो न्यूज़ है यहाँ पर ये न्यूज़ भले ही काफ़ी दिन पहले आई है बट न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर अगर देखेगा जिन लोगों को ये चीज़ नहीं पता है, तो टाटा स्टील की जो सात सब्सिडरीज कंपनीज़ है यानी जो सेवन सब्सिडरीज कंपनी है वो बिल्कुल यहाँ पर मर्ज होने वाली है टाटा स्टील में सी ई जो नरेंद्रन है उनकी ओर से टी वी नरेंद्रन की ओर से यहाँ पर ये न्यूज़ आ रही है एफ आई ट्वेंटी फोर तक यहाँ पर ये बिल्कुल जो मर्जर है बिल्कुल कंप्लीट होगा वॉल्यूम स्टॉक में तगड़े नज़र आ रहे हैं पिछले कुछ दिनों से वही अगर देखेगा तो आज अगर देखें तो ऑलमोस्ट फोर करोड़ के अराउंड की डिलीवरी स्टॉक में उठाई गई है एस्टरडे की बात करें तो थ्री करोड़ का ट्रेड वैल्यू और वन करोड़ का कॉमिन डिलीवरी देखने को मिलता है और वॉल्यूम के बेसिस पर लग रहा है कि शेयर में कल भी ऐसी ही बढ़त देखने को हमें मिलने वाली है कम्युनिटी सेंटिमेंट्स के आंकड़ों में अगर देखोगे तो 82 परसेंट लोग आपको बिल्कुल पॉजिटिव नज़र आएगा इसमें बायर्स भी आपको लिखेंगे बिल्कुल होल्ड करने के लिए भी एलेवन परसेंट लोग हैं और बाय करने के लिए कहने वाले हैं सेवेंटी वन परसेंट लोग और एटीन परसेंट लोगों की ओर से स्टॉक में सेल करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है तो वैस बिल्कुल बायर्स और जो होल्ड करने के लिए कह रहा है बिल्कुल यहाँ पर ज़्यादा आपको नज़र आएगा लेवल हम बात कर लेते हैं लेवल्स की यहाँ से अगर देखें तो स्टॉक में आपको बिल्कुल एक फॉलिंग वेज टाइप पैटर्न देखने को मिलता है बिल्कुल अपसाइड डाउन मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिलता है इसी के बेसिस पे एक ब्रेकआउट भी मिला ब्रेकआउट के बाद शेयर ऊपर गया सस्टेन करके सीधा ये शेयर ऊपर की ओर जा रहा है वन हंड्रेड एंड फिफ्टीन से लेके वन हंड्रेड एंड सेवनटीन रुपीज़ तक ग्रोथ ये बताने वाला है क्योंकि यहाँ पर अगर देखें एक बड़ा गैप डाउन देखने को हमें मिला था और यही के बाद ब्रेकआउट के बाद शेयर में सीधा ऊपर का मोमेंटम नजर आएगा सो so गाइस यहाँ पर वन वीक के टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें तो स्टॉक में काफ़ी अच्छा लेवल देखने को मिलता है ऊपर से रिजेक्शन है रिजेक्शन है नीचे से सपोर्ट आपको नजर आया गया तो यहाँ पर रिजेक्शन भी था जिस वजह से स्टॉक में गिरावट आई ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं और मैंने क्लियरली कहा था कि स्टॉक सपोर्ट लेके ऊपर की ओर जाने वाला है तो बिल्कुल गाइस यहाँ पर सपोर्ट नज़र आता है तो यहीं पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है एक सिमेट्रिकल टाइप पैटर्न आपको दिखेगा ब्रेकआउट के बाद जो स्टॉक है वो सीधा वन फिफ्टी के अराउंड के लेवल अचीव कर लेगा सो गाइस यहाँ पर अगर देखें बड़े टाइम फ्रेम पर इसे हम पॉल एंड फ्लैग टाइप पैटर्न भी कहते हैं तो बड़ी बढ़त आने ही वाली है और ऑलरेडी शेयर यहाँ पर सपोर्ट ले चुका है आई होप गाइस यहाँ पर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अगर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कोई भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन शेयर्स का एनालिसिस कर लेना थैंक यू